पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कोरोना अपडेट बता रहे हैं, जहां महाराजगंज में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 372 पहुंच चुका है। वहीं 243 संक्रमित मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। वहीं जिले में 123 संक्रमित मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि अब तक 6 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो महराजगंज में एक ही दिन में 19 नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में संक्रमितों का आंकड़ा इसको देखते हुए 372 पहुंच गया है। 243 संक्रमित मरीज हालांकि ठीक भी हो चुके हैं, वहीं 123 अभी भी एक्टिव है। नवीन प्रकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं तो बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का लगातार कहर जारी है, उसमें महाराजगंज जनपद भी अछूता नहीं है। महाराजगंज जनपद में जो कोरोना संक्रमण की जो देर रात रिपोर्ट आई है, उसमें जो है 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन उन सभी लोगों को पुराना के कोविड अस्पताल में भेजने की तैयारी में। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मामले महाराजगंज जनपद में जो है देखे गए हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि लोग जो है कोरोना से उपाय बचने का जो उपाय है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से जो है बचाव नहीं कर रहे हैं, बेवजह जो है सड़कों पे घूम रहे हैं। तो ये जो है जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है और महाराजगंज जनपद में लगातार जो है जारी है। जो 19 कोरोना के मरीज मिले हैं उसमें जो है एक पुलिस लाइन का बताया जा रहा है, एक सदर जो ब्लॉक का है, उसके बाद एक रामपुरवा, एक कैंपियरगंज और एक सीएससी ब्रिजमनगंज का बताया जा रहा है। तो सिसवा के निवासी हैं। इस तरह से कुल जो है मरीजों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जो कोरोना मरीज नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन के भी हाथ पांव जरूर फूल गए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा है वो महाराजगंज जनपद में कुल कोरोना मामले 372 हो गए हैं और यही जो है सक्रिय मामले अभी भी 123 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, राहत की खबर महाराजगंज जनपद के लिए यह होगी कि जो रिकवरी हो रही है काफी तेजी से हो रही है, जिसका पूरा श्रेय जिलाधिकारी डॉक्टरों को देते हैं। क्योंकि लगातार दिन रात जिस तरह से जिला प्रशासन मेहनत कर रहा है, उसका नतीजा है कि लगातार रिकवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से देखा जाए तो जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से रिकवरी भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।